किसी का वीडियो ऑन हो गया है थोड़ा देखो। बस मेरा तोरो वीडियो ऑन हुई थी।
वो कल नहीं जाएगा, अभी दो बंद तीन हो दिन तक नहीं जाएगा रिपोर्ट।
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु, मेरा बहुत आवाज आ रहा है। हरे यस प्रभु जी, यू ऑडिबल। वेट प्रभु जी, वी विल स्टार्ट विथ सम मोर पार्टिसिपेंट्स। वेट फॉर अ मिनट।
We'll start now, Krishna. Hare Krishna. A minute more, Prabhuji. After 5 minutes? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, actually we are waiting for some more participants to join and after that we can start, Prabhuji. Just allow us few minutes. Oh. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, bro. Prabhuji, now we can start. I welcome you on behalf of Parikshit team. So today with us, we have His Grace Dhananjay Hrishikesh Prabhuji. Prabhuji, pranam, Hare Krishna. Prabhuji has done his engineering from NIT Rourkela. Later joined ISKCON to explore his spiritual life and preach spirituality throughout the world. Today, at the day 7 of Chariots of Devotion 2023 by Parikshit, we will be hearing it all from Prabhuji today. Prabhuji, you may start. It will be in Hindi, na? Or English, or mix? Anything, Prabhuji. Hindi mein boliye ya fir English mein kuch bhi. All the participants, they have mute, na? Everyone. Okay, we'll yes, all the participants are mute and most of the participants have joined. You can start. Hare Krishna. Aaj ka ye jo kaksha hai, hum Bhagwan Jagannath Balabhadra Subhadra ka ye jo Prabhu ji ke dwara Parikshit Maharaj aur Parikshit ka institute ke dwara ek aayojan kiya gaya hai. इसमें हम ये भगवान का जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का जो रूप है वो कैसे प्रकट हुआ है और उसका पौराणिक कारण क्या है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो विषय वस्तु है ये आध्यात्मिक चीज है, इसलिए भौतिक ज्ञान जो हम अर्जन करते हैं और आध्यात्मिक जो अज्ञान अर्जन करते हैं उसमें बहुत अंतर है। इसलिए इसको हम जो सुनते हैं उसको विश्वास करना चाहिए और उसका कुछ क्वालिटी उसका कुछ प्री रिक्विजाइट होता है। जैसे कोई अगर कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन करता है तो उसका कुछ ऐसा रहता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेंगे तो इंस्टीट्यूट का वो सदस्य हो सकता है। वो इंजीनियर हो, मेडिकल हो, या आप वकीलत पढ़े हो, जो भी हो। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कोई भी विषय वस्तु का हम श्रवण करते हैं उसके लिए भी कुछ योग्यता चाहिए। हालांकि सब उड़ीसा का यहाँ पर उड़ीसा और भारत में हमारा जन्म हुआ है, हमारा पूर्वज हो गए हैं वो सब आध्यात्मिक कार्य करते थे, जिसके कारण हमारा स्वतःप्रोत आध्यात्मिक के प्रति रुचि रहता है। और ये वाला जो प्रयास हो रहा है परीक्षित के द्वारा
हम जगन्नाथ के बारे में जो सुनना चाहते हैं, तो आज का जो विषय वस्तु है ये भगवान का जो यहाँ पर जो विग्रह देख रहे हैं जगन्नाथ, सुभद्रा और सुदर्शन जी, इनका रूप अगर देखेंगे तो ये संपूर्ण रूप से नहीं है। कोई अगर देखेंगे तो राधा कृष्ण का उनका संपूर्ण विग्रह रहता है। सीताराम लक्ष्मण जी हो गए और लक्ष्मी नारायण हो गए, उनका संपूर्ण विग्रह रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं भगवान अधूरे जैसे रहते हैं, हाथ तो उनका आधा रहता है, आंख बड़े बड़े रहता है। तो इसके पीछे क्या वजह है शास्त्र के अनुसार, उसका हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन, ये तीनों को तो हम अच्छे से पहचानते हैं और ये दो तो भाई बहन है, लेकिन जगन्नाथ जी जो है उनको जगन्नाथ बताया गया है। बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ भगवान कृष्ण है, लेकिन उनको जगन्नाथ फिर भी क्यों कहते हैं? उनको तो सब बोलना चाहिए बलभद्र, सुभद्रा और भगवान कृष्ण, तो जगन्नाथ क्यों है? क्योंकि जगन्नाथ होने के कारण कोई भी विश्वास का, कोई भी देवता का उपासना भी करते हैं और जगन्नाथ जी के पास जब भी आते हैं तो जगन्नाथ जी को वही भाव से वो देखने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। तो अतीत में बहुत भक्त आए हैं जो देवता का उपासना करते हैं, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई बुद्धदेव का भक्त है, कोई काली का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, और जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो भगवान जगन्नाथ को ही रूप में देखने के लिए चाहते हैं। इसे वर्णन है जब औरंगजेब का जब शासन चलता था तब उनका अंतिम और समय में भी जगन्नाथ जी खुद उनको बोलते थे कि मैं तुम्हारा खुद आला हूँ। उसी प्रकार ये जो जगन्नाथ शब्द है, कोई भी धर्म का लोग है, कोई भी विश्वास का लोग है, वो अगर उसी रूप से भगवान को अगर देखना चाहते हैं तो उनको वो उसी रूप से दर्शन करते हैं। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ का अलग अलग तिथि में अलग अलग उनका भेष होता है। कभी कभी रामचंद्र का भेष होता है, कभी कभी नागार्जुन का भेष होता है, कभी कभी गणेश का भेष होता है, क्योंकि अपना जो अतीत में कोई अलग अलग भक्त लोग को जो रूप में दर्शन दिए हैं उसी प्रकार उनका भेष भी होता है उसी का स्मरण में। लेकिन जब हम ये जो इस्कॉन संस्था की तरफ में और गौड़ी संप्रदाय के तरफ में जब जगन्नाथ जी को देखते हैं तो कलिजुग का जो अवतार होते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण का स्वयं अवतार है, वो जगन्नाथ जी स्वयं नंदनंदन कृष्ण के रूप में वो सबको पूरे संसार को बताए हैं। ये जो जगन्नाथ जी है भगवान कृष्ण का ही अभिन्न रूप है वो वाला बताए हैं। और हम अगर देखेंगे सत्य, तृतीया, द्वापर और कली, ये जो चार युग है, चार युग में अलग अलग भगवान का प्रकट हुआ है, अलग अलग प्रांत में ये भारतवर्ष में उनका पूजा अर्चना होता है। सत्य युग में बद्रीनाथ के रूप में भारत का उत्तर दिशा में भगवान का पूजा अर्चना होता है। त्रेता युग में राम जी के रूप में उनका पूजा अर्चना होता है। हमारे जो चार धाम जो है, उत्तर में बद्रीनाथ हो गए, दक्षिण में रामनाथ हो गए जिसको रामेश्वरम भी बताया गया है, और द्वारिका में जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है द्वारकाधीश रूप में, पश्चिम में उनका पूजा होता है। और कलिजुग का जो अधिष्ठाता देवता है वह भगवान है, वो जगन्नाथ रूप में पूरी क्षेत्र और पूरी धाम में पूजा होता है। हर सनातन धर्म जो होते हैं उनका एक जीवन में कभी भी ये चार धाम का यात्रा करना चाहिए। कोई अगर चार धाम का यात्रा करते हैं बद्रीनाथ, रामनाथ और द्वारिकानाथ, जब अंतिम में वो जगन्नाथ पुरी में आकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो उनका चार धाम का यात्रा संपूर्ण होता है। अगर आप देखेंगे उत्तर में बद्रीनाथ जो है तपस्या में लीन होते हैं, द्वारिका में भगवान कृष्ण जी ऐश्वर्य में उनका पूजा होता है, राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके उनका भी जो भक्त हो गए, जो पार्षद हो गए, उनका सब नीति नियम में पूजा करते हैं। और जगन्नाथ जी को अगर देखेंगे वो कलिजुग का वो रिप्रेजेंट करते हैं, और कलिजुग में उनका अगर हम देखेंगे तो उनका हमारा मनुष्य के साथ बहुत सामंजस्य रहता है। इसलिए जैसे उनका जन्मदिन जो होता है, स्नान पूर्णिमा उनका जन्मदिन है, जब कभी हम कभी मामा के घर जाते हैं, कहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, हमारा भाई बहन के साथ जाते हैं, तो भगवान ये रथात्रा को भी अपना मौसी के घर में जाते हैं। और जैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान भी ये जगन्नाथ का रूप में जब दो आषाढ़ महीना पड़ता है तब उनका शरीर वो छोड़ते हैं जिसको नवकलवर बोलते हैं। तो मनुष्य जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अलग अलग उत्सव में भाग लेते हैं, तो भगवान भी उसी प्रकार सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड होने के कारण और परम पुरुष होने के कारण वो मनुष्य जैसा ही उनको भूख लगता है, वो खाते हैं। जब गर्मी होता है तो नरेंद्र पुष्करणी में उनका स्नान, उनका नौका में विहार करते हैं, चंदन लगाते हैं गर्मी के कारण। गर्मी के समय में जैसे हम उड़ीसा में पखाल खाते हैं तो भगवान को पखाल का भोग भी लगता है,
तो यहाँ पर हमको लगता है कि भगवान हमारे जैसे ही है और हमारे से बहुत श्रेष्ठ है। जैसे यहाँ पर कोई राजा होता है तो उनका अलग अलग जगह में उनका सब मंत्री होते हैं, पार्षद होते हैं, तो उस प्रकार से भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान करते हैं, हजारों हजारों उनका सेवक रहते हैं। इसे वर्णन होता है कि 3,000 सेवाएं तो उनका सेवा करते हैं जगन्नाथपुरी में, और 12 महीना में उनका 13 यात्रा होता है। ये वाला विषय वस्तु है कि जगन्नाथ जी को हम तो जानते हैं, हम उड़ीसा में जन्म है, भारत में जन्म है हमारा, भगवान नारायण और भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ है। लेकिन शास्त्र के आधार पर हम देखेंगे ये वाला जो रूप है, ये वाला कैसे उनका ये वाला रूप हुआ है और कहाँ पर ऐसे वर्णन है। अभी ये वाला जो जगन्नाथ का ये वाला जो रूप हुआ है, इसको हमारा जो महाप्रभु के जो पार्षद है सड़ गोस्वामी बच्चे गोस्वामी है, उनसे श्रेष्ठ गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक शास्त्र है, एक ग्रंथ वो रचना किए हैं जिसका नाम है बृहद भागवतम, उसमें वो वर्णन किए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान जो जगन्नाथ है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। और गीता का तात्पर्य है, जैसे बताया गया है गीता में एक श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म हो गया, कर्म हो गया, ये सब दिव्य होता है, वो लौकिक नहीं होता है। लेकिन हम जो मनुष्य है, हम भगवान को मनुष्य जैसा सोच लेते हैं, वो हमारा बहुत मूर्खता होता है। लेकिन अगर तत्व तो हम जानते हैं ठीक ठीक रूप से, भगवान कैसे जन्म होते हैं, भगवान कैसे कर्म करते हैं और उनका कर्म कैसे दिव्य है। दिव्य और लौकिक में अंतर है, भगवान जो भी चीज करते हैं उसका गुणगान हजार हजार संत लोग हजार हजार ग्रंथ में होता है, और उसी कार्य को अगर कोई मनुष्य अगर नकल करता है वो बहुत निंदनीय होता है। जैसे भगवान गोपियों के साथ रासलीला रचना किए व हजार हजार लखे लखे गोपी के साथ नृत्य के रात में, तो उनको गुणगान होता है और अलग अलग शास्त्र में अलग अलग साधु संत उसका सराहना करते हैं। तो इसलिए जो भगवान का जो 6 ऐश्वर्य है ऑल फेमस, वो जो भी करते हैं वो फेमस होता है और सबका सब उनका गुणगान करते हैं। लेकिन हम अगर ये वाला चीज करते हैं तो ये वाला निंदनीय कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है उनका जन्म भी बहुत दिव्य है, तो पता नहीं चलता है वो किनका बेटा है। कोई बोलते हैं तो देवकी और वसुदेव से जन्म हुए है, कोई बोलते हैं नंद और महाराज और यशोदा से जन्म हुआ है। तो उसके ऊपर सनातन गोस्वामी बताते हैं, जब मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो 16 साल एक किशोर के रूप में उनका प्रकट हुआ है, 4 भुजा में वो शंख चक्र कदा पकड़कर वो प्रकट हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हैं। और नंद और यशोदा के जो वहां पर जन्म हुए हैं, वहां पर वो अपना बहन योग माया के साथ वहां पर जन्म हुआ है। तो यहाँ पर भगवान का प्रकट हुआ है चतुर्भुज में, और जब ये वाला चीज देखे हैं उनको डर लग रहा है, उनका माता पिता यशोदा और देवकी और वसुदेव को डर लग रहा है, अभी कंस आ जाएगा और आपको जो पता चलेगा वो उनका अष्टम गर्भ जन्म हुआ है तो आपको मार भी सकता है, और उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कैसे छोटा बच्चा हो जाइए। तो उनको लेकर वो जाते हैं गोकुल जाते हैं। लेकिन उसी समय यशोदा का यहाँ भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और उनके साथ एक उनका बहन भी जन्म हुआ है। तो इसीलिए एक समय में भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं और वहां पर जन्म होता है, क्योंकि भगवान प्रकट भी हो सकता है, अगर चाहेंगे तो माँ का गर्भ में जन्म भी हो सकता है। और वहां पर जब जन्म हुए हैं तो माँ और बेटे जब जन्म होते हैं, आप देखेंगे तो बेटे और माँ एक एम्ब्रिकल कॉर्ड में वो कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर जो धाई थे वो उसको काटे भी है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो यहाँ पर जन्म हुए और यहाँ पर प्रकट भी हुए हैं। तो इसीलिए इनका एक काल में एक समय में दो जगह में कैसे हो सकते हैं, इसलिए ये वाला दिव्य होता है, ये लौकिक नहीं होता है। कभी अगर हम यहाँ पर राहुल कला में बैठकर कक्षा सुन रहे हैं, उसी समय में हम बॉम्बे में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे कर सकते हैं, इसलिए ये वाला उनका जन्म जो है वो दिव्य है। उसके बाद जब उनका गोकुल में जन्म हो गया है, उसके बाद नंद महाराज और यशोदा महारानी जो है वो वृद्धा अवस्था में 80 साल हो गया, उनका कोई भी पुत्र नहीं था, बहुत वो प्रार्थना किए थे, उनका जन्म हो गया है। और क्योंकि वो वैश्य का राजा थे, उनका बहुत गोधन था, गाय का संपत्ति था, और दूध दही मक्खन इसको सब शहर में बेचते थे, मथुरा हो गया अलग अलग शहर में बेचकर वो बहुत धनी थे। अलग अलग राजा होते हैं वैश्य कुल में, वो राजा हुए हैं। जब वो राजा हुए हैं और उनका ये प्राप्त वयस्क में और वृद्धा अवस्था में उनका पुत्र हुआ है, जितना भी उनका सगे समधि और प्रजा थे बहुत उनको
बधाई दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग आकर वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और नंद महाराज खुश होकर ब्राह्मण हो गए। जितना भी गोप गोपी थे सबको वस्त्र आभूषण गाय सब उनको दान कर रहे हैं और वहां पर खुशी का माहौल हो गया है। और इसे जब हुआ है उसके बाद भगवान कृष्ण का जब 6 दिन का हो गए है उनको वध करने के लिए कंस अलग अलग राक्षसों को भेजे हैं, वहां पर बहुत सब लीला किए हैं, उतना वध किए हैं, अगासुर वध किए हैं। उसके बाद अपना सखा मित्र के साथ वो गाय चराने के लिए जाते हैं, यमुना में वो विहार करते हैं। अलग अलग जो 12 वन है, 12 वन है वहां पर फल मूल कंद हमेशा पीड़ा करते हैं और गोवर्धन में जाकर गाय बछड़ को चराते हैं। इतना आनंद में वो वहां पर 11 साल तक बिता दिए हैं। और वहां पर जब कंस को पता चल गया है कि यही भगवान 8वें गर्भ है देवकी और वसुदेव को, तो उनको छल पूर्वक अपना मथुरा में लाकर उनका वध करने के लिए योजना किए हैं। उस समय अक्रूर को भेजे हैं और अक्रूर जाकर कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि आपका जो माता पिता है वो देवकी और वसुदेव है, आप इधर आकर आपका माता पिता को कंस बंदी करके रखे हैं और उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप उनको छुड़ाइए और कंस का वध कीजिए। और यहाँ पर भगवान कृष्ण को पता है कि मेरा माता पिता तो जसोदा और नंद है और हमारे वसुदेव और देवकी जो है, वसुदेव जो है नंद का मित्र है, तो ये हमारा फर्ज बनता है। भगवान कृष्ण और बलराम सोचते हैं तो वो आते हैं मथुरा को और यहाँ पर भगवान कंस एक बड़ा धनुर्यज्ञ आयोजन करते हैं। वहां आकर वो धनुर्यज्ञ में धनुर को तोड़ते हैं और बड़े हस्ती एक थे कुबड़ा पीड़ उसको वध किए है, जितना भी मल्ल योद्धा थे उनके साथ उनको वध करने के बाद कंस को विनाश किए हैं और मथुरा में उग्रसेन को राजा का पद में अभिषिक्त किए हैं। उसके बाद फिर भी विपद मथुरा ऊपर है, इसलिए वो फिर और गोकुल वृंदावन को और नहीं आकर वहां पर जरासंड को वध किए हैं। उसके बाद जब जरासंड और 17 बार उनको आक्रमण किए हैं, एक दिन क्या किए, मथुरा के जितना भी वासी लोग रात में सोए थे सबको लेकर एक रात में द्वारिका को अपने जोग माया के शक्ति के बल में सब द्वारिका में पहुंचा दिए। द्वारिका जो है अभी भी आपको उसका जो भग्नावशेष है अरबियन सी पश्चिम भाग भारत में जो समुद्र है उनके नीचे बहुत द्वारिका का अवशेष अभी भी मिलता है। तो इसलिए ये जो अलग अलग जो स्थान है, कुरुक्षेत्र हो गया, मथुरा हो गया, द्वारिका हो गया, अयोध्या हो गया, राम सेतु हो गया, ये वाला काल्पनिक चीज नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये वाला सब फैक्ट है। ये वाला चीज हुआ था, अभी भी उसका आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग संस्थाएं उसका सब प्रूफ के साथ अभी भी हमारा इंटरनेट में ये वाला सब चीज मौजूद है। तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भारत का ये जो समृद्ध कल्चर है बा संस्कृति है ये सब काल्पनिक है बा ये वाला मनोकल्पित कहानी है, ये वाला सब सत्य है। जैसे सूर्य चंद्र भी सत्य है उसी प्रकार ये वाला भी हुआ था, ये वाला भी सत्य है। उसके बाद जब द्वारिका में भगवान गए हैं वहां पर उनका 16108 रानी के साथ विवाह हुआ है, हर रानी के गर्भ में 10 पुत्र और 1 कन्या का वो उत्पत्ति किए है। इस समय क्या हुआ है, नारद मुनि वो घूम घूम कर वो जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, उसका निरूपण करने के लिए उनका मन में इच्छा हुआ है। क्योंकि जब भी भक्त का मन में कुछ इच्छा होता है वो भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान और भक्त लोग कैसे श्रेष्ठ है और भगवान और भक्त का जो संबंध है वो कितना मधुर है, इसको संसार में प्रकट करने के लिए भक्त को माध्यम कर उनका हृदय में एक स्फुरण देते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, भगवान नारद जो भक्त है, भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, उनका मन में ऐसे जिज्ञासा हुआ है सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण का कौन भक्त है उसका मैं निरूपण करूंगा। तो वो क्या किए, क्योंकि भगवान नारद मुनि का वो तो ब्रह्मा जी का पुत्र है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है और उनको लगा कि भगवान ब्रह्मा जो है वो भगवान कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त होंगे क्योंकि वो ये संसार को रचना किए हैं। ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, प्रहलाद महाराज के पास गए, हनुमान के पास गए और उनका श्रेष्ठ भक्त उसी समय में द्वारिका में जो थे 5 पांडव द्रौपदी कुंती सबके पास गए, सब बोले कि हम श्रेष्ठ नहीं, हम कैसे श्रेष्ठ हो सकते थे, हमारे पास तो भगवान इतना समय नहीं रहते हैं, अभी हमारे जब विपद आता है तो भगवान हमारे पास यहाँ पर रहते हैं। लेकिन वो तो द्वारिका में इतना उनका परिवार का सदस्य है, 16108 रानी है, उनका
जो देवकी वसुदेव और उग्रसेन बहुत अक्रूर लोग बहुत उनका सेवा करते हैं, तो द्वारिकावासी जो है वो श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि फिर द्वारिकावासी के पास आते हैं। द्वारिकावास में उनका मित्र लोग रहते हैं, माता पिता रहते हैं और उनका पत्नी लोग रहते हैं। तो माता पिता के साथ जितना भगवान का संबंध है उससे ज्यादा संबंध पत्नी के साथ रहता है, तो इसलिए उनको लगा कि पत्नी लोग श्रेष्ठ होंगे। तो वो जो 16,108 रानी है उनसे जो 8 रानी श्रेष्ठ है, रुक्मिणी देवी हो गए, मित्रा वृंदान, नागनचिता, सत्यभामा, जाम्बवती, ये सब श्रेष्ठ रानी को पास जाकर पूछ रहे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ है, आप भगवान का पति से रानी है, इसीलिए आप भगवान का श्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि हे नारद मुनि, आप क्यों मजाक कर रहे हैं, हम उनका श्रेष्ठ भक्त नहीं है। हाँ, हम उनका सेवा करते हैं, भगवान का हम पास में रहते हैं, लेकिन हमारा अनुभव है भगवान हमको इतना प्रेम नहीं करते हम उनका जितना प्रेम करते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम पत्नी होने के कारण एक पत्नी का स्त्री स्वभाव में हम हर तरह भगवान का प्रसन्न करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। कभी कभी हम उनको अच्छा पकवान बनाकर खिलाते हैं, उनका जब वो थक कर सो जाते हैं उनका पैर को हम क्या मसाज करते हैं, और उनको हम अलग अलग आभूषण देकर, अलग अलग हार जवाहरात देकर उनको हम श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो दूसरे को हमारे प्रति इतना उनका स्नेह नहीं और उनका इतना प्रेम नहीं। और इसका कारण क्या हो सकता है, अगर नारद मुनि पूछते हैं तो बता रहे हैं, अभी उनका जो मुख्य रानी है रुक्मिणी बता रहे हैं, कभी कभी हम देखते हैं भगवान कृष्ण रात को सोते हैं और सोने के समय में वो कभी कभी उठकर बताते हैं, हे मधुमंगल, हे सुवर्ण, हे स्तोत्र कृष्णा, हे राधा, हे ललिते, ये सब अलग अलग नाम उच्चारण कर कर वो रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं। वो बोलते हैं मुझे छोड़कर मत जाइए, हे मया यशोदा, मुझे मक्खन दीजिए, मुझे मिश्री दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रहा है, ऐसे सब रात में उठकर वो बोलते हैं। हम उनके पास रहते हैं, कभी कभी हमारा साड़ी को पकड़ कर बोलते हैं, आप मेरे से बात क्यों नहीं करते हैं, हे ललिते, हे विशेखे। तो ये वाला चीज में हमको पता चल होता है उनका बचपन में जो लीला 11 साल तक वृंदावन में ब्रजभूमि में किए हैं अपना ग्वाल बालों के साथ, अपना गोपी के साथ, गाय बछड़े के साथ, जितना सी पन है, द्वादश पन है, यमुना है, जितना वहां पर उनका प्रेम है वो ब्रजवासी प्रति, हमारे पास उतना नहीं है। हम उनके पास होने के कारण भी फिर भी वो हमारा उपस्थिति को नहीं समझकर उनका ही स्मरण करते हैं और उनका विरह में वो रात को रोदन भी करते हैं। तो ये वाला जब सुनते हैं तो उनका भी ऐसे इच्छा होता है, हम इतना सेवा कर कर हमारा कभी भी हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट लीव द मीटिंग। We think there is a technical issues from Prabhuji's side. He'll be connecting soon, so please do not leave the meeting.
हरे कृष्ण ब्रो, आवाज आ रही? हरी बोल प्रभु जी। तो जी आवाज जी जी प्रभु जी, आवाज आ रही है, आप दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी, अभी भगवान जब ऐसे सब बता रहे हैं नारद मुनि को, तो उनको एक ऐसे व्यग्र हो रहा है कि हम भी भगवान का ऐसा प्रेम प्रेम प्राप्त के लिए तड़प रहे हैं, तो हमको पता चलेगा, हमको अगर पता चलेगा ये गोप बालक और गोपी लोगों को कैसे उनके उनके साथ ऐसे व्यवहार किए। और ऐसे पता होता है कि भगवान का जब द्वारिका में थे उनका आयु था 125 साल, और वृंदावन गोप और गोकुल में वो जो 11 साल रहे, तो 11 साल में इनका संबंध उनका जो मातृ उनका जो माँ वयस्क का जो गोपी होते हैं यशोदा हो गए, उनका जितना भी सम वयस्क का उनका जो सहेली होते हुए हैं, और उनका जितना भी गोप बालक हो गए, उनके पास कैसे ऐसा प्रेम था कि उनको अभी भी वो 125 साल होने के बाद भी उनको भूल नहीं पाते हैं। ऐसे जब उनको जानना का जिज्ञासा हुआ है, तो सोच रहे कि कौन उनके बारे में हमको बता सकता है, वहां पर जो रहेगा तो वही तो बता सकता है। तो उनको ऐसे स्मरण हुआ कि बलदेव का जो माँ है वो रोहिणी माता, तो उस समय वहां पर थे, क्योंकि रोहिणी माता जो है वो वसुदेव का पत्नी है, और कंस 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 से उनका भय था, इसलिए वो गोकुल में जाकर हमारा नंद महाराज और यशोदा महारानी के पास रहते थे। तो वहां पर बलराम जी का जन्म हो उनका गर्भ से हुआ है, और भगवान कृष्ण का जन्म यशोदा मैया के गर्भ से हुआ है, और दोनों पुत्र को उनका जो बाल लीला को रोहिणी जो माता जो है वो खुद देखे हैं, और कितना प्रेम में उनका जो बाल लीला हुआ है वो खुद देखे हैं। जब भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है उनका बहुत असुर वो भेजे हैं कंस उनको विनाश करने के लिए। इसी प्रकार कभी भी हम अगर आप कोई भी देवता का उपासना करो, शिव जी का उपासना करो, पार्वती का करो, तारिणी माँ का करो, संतोषी माँ का करो, कोई भी करो, आपको कोई भी घर का लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप भगवान कृष्ण का उपासना करेंगे, एक माला हरे कृष्ण मामता जप करेंगे, गीता भगवत गीता को ओपन करके पढ़ेंगे, तब आपका माता पिता भाई बहन पड़ोसी सब बोलेंगे, अरे क्या हो गया, पहले तो इतना नहीं था, अभी इतना भक्ति हो गया, अभी ये वाला क्या। इसीलिए उनका परेशान हो जाता है, क्योंकि जब भी कहां पर भगवान कृष्ण का प्रकट होता है तब सब आसुरी शक्ति आते हैं उनका विनाश करने के लिए। कभी भी हम ऐसे नहीं सुने कि वृंदावन और ब्रज में भगवान कृष्ण का प्रकट पहले कभी भी असुर आकर वहां पर उपद्रव नहीं मचाए, लेकिन कृष्ण का जब जन्म हो गया तब सब असुर लोग आकर उनका उनको परेशान करने के लिए आ गए। तो इसीलिए कभी भी हमारा हम अगर भक्ति प्रारंभ करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं और भगवत गीता पाठ करते हैं, और घर में बताते हैं नहीं नहीं हम ये मांस मछली थोड़ा 7 दिन में कम कर एक दिन खाएंगे, थोड़ा थोड़ा 3-4 महीने के बाद हम नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मैं खाना लहसुन नहीं खाऊंगा, ये जब हम बोलते हैं तो घर का लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे हाँ ये अभी से साधु हो गया तो हमारे साथ कौन और कोऑपरेट करेगा ये वाला सब चीज करने के लिए। तो इसीलिए कभी भी आप परेशान नहीं होंगे अगर भक्ति का पालन करने में इसे प्रतिबंध आता है, क्योंकि ये वाला प्रतिबंध जब भी कोई भगवान कृष्ण का भक्ति ग्रहण करते हैं उनको आता है। 5 पांडव का जीवन में देखेंगे उनके पास हर विपत्ति आया है, भरी सभा में पत्नी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न हुआ है, भीम को जहर का लड्डू देकर मारने के लिए प्रयत्न हुआ है, उनका साम्राज्य को हड़प लेने के लिए प्रयत्न हुआ है, 12 साल उनको जंगल में भेजे हैं। इसी प्रकार फिर भी वो भगवान का भक्ति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान का भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन हम अगर करेंगे भगवान का भक्ति, मुझे एग्जाम में पास करा दो, मुझे आईएएस ऑफिसर बना दो, अगर नहीं बनाएंगे तो भाड़ में गए तुम्हारा भगवान, भाड़ में गए तुम्हारा भक्ति, इसको भक्ति नहीं बोलते, इसको व्यापारी बोलते हैं। इसीलिए भक्ति जो होता है कभी भी भगवान से कोई चीज मांगते नहीं, उनको केवल उनका सेवा ही मांगते हैं। इसमें एक अलग रस होता है, अलग आनंद होता है और अलग प्रेरणा मिलता है। और जो चीज आप भगवान के पास जाकर मांगते हैं आपको, इसका मतलब भगवान जो है आपका जीवन में कुछ पता नहीं उनको क्या चल रहा है और क्या चीज आपको देना है। भगवान सर्वज्ञ होने के कारण कौन सा चीज किस समय में कितना मात्रा में देना है उनको पता है, इसलिए उनको ये जो भौतिक चीज कुछ मांगना नहीं है, उनको खाली सेवा कर कर प्रसन्न करेंगे आपका जीवन इतना मतलब ग्लोरियस हो जाएगा आप भी जान पाएंगे। अभी इसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये जो रोहिणी माँ तो वहां पर थे, तो रोहिणी माँ को पूरा उनका बचपन पता होगा, तो उनसे हम ये वाला सुनेंगे। तब रोहिणी माँ को सब जो रानियां हैं एक बड़ा वाला महल में उनको बुलाए हैं, और वो महल में
16,108 रानी बैठे हैं, रोहिणी माँ को एक सिंहासन में बैठाकर उनको बोल रहे हैं, ब्रज का ये जो गोप गोपी जो है वो क्या भगवान कृष्ण को कैसा सेवा कर रहे थे, जिसके कारण अभी भी 125 साल होने के बाद भी हम उनका पत्नी होने के बाद भी हमको वो इतना प्रेम नहीं करती, इसका कारण क्या है हमको थोड़ा बताइए। उस समय क्या होता है, कंस का जो माँ है वो उनका नाम है पद्मावती, ये जो है उग्रसेन का पत्नी है, वो बहुत आकर वहां पर गुस्सा में कुछ इधर उधर का बोलता है, क्योंकि उनका पुत्र का अभी भगवान कृष्ण ने विनाश किए हैं, वध किए हैं, इसलिए वो आकर बोल रहे हैं कि ये जो गोप गोपी जो है ना वो बहुत क्रूर व्यक्ति है और बहुत कृपण व्यक्ति है और अच्छे लोग नहीं है, हमारे जो पुत्र को वसुदेव जो है कृष्ण को वहां पर रखे थे और उनको उनको पता है कि वो अपना बेटा नहीं, इसलिए उनको अच्छा से लाड़ प्यार नहीं किए, और जब 5 साल में उनको शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजना चाहिए उनको गाय चराने के लिए जंगल को भेज देते थे और उनको अच्छे से शिक्षा नहीं दिए थे, और जब अभी हमको पता चला कि वो मथुरा का राजा है, हम उनको लाने के लिए गए हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनका परवरिश अच्छा नहीं किए, अभी अभी इसको रखने के लिए 11 साल उनको जितना खर्चा हुआ है हमारे नंद महाराज को और यशोदा को, उसको सब हम उनको एक एक पैसा दे देने के लिए तैयार है, अगर उससे ज्यादा भी होता है तो हम कम भी होता है तो हम उसको उसको देने के लिए तैयार है, ऐसे सब इधर उधर का बात करते हैं पद्मावती, क्योंकि कंस का वध होने के कारण वो भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ईर्ष्यालु हो गए हैं, क्योंकि ये वाला सत्य नहीं है। और जब रोहिणी माँ को ये वाला से पता चल रहा है, वो बहुत बोले कि आपको पता नहीं है कि नंद और यशोदा कौन है, वो अपना प्राण से भी बहुत भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं और आपको पता नहीं है कि गोप गोपी कैसे है और उनका प्रेम कैसे है, ये जब बताते हैं कृष्ण का जहाँ पर प्रशंसा होता है, गुणगान होता है, आसुरी प्रवृत्ति आसुरी के व्यक्ति वहां पर रह नहीं सकते हैं, इसीलिए वो तुरंत पद्मावती जो है वो जो सभा छोड़कर गए हैं। उसके बाद रोहिणी माता बता रहे हैं कि सुभद्रा को आप वो जो दरवाजा है जो द्वार है वहां पर आप उसका अच्छा से बंद कर कर बाहर में आप प्रतीक्षा कीजिए और बाहर में आप गेट कीपर होकर रहिए, द्वार को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि जहां पर भगवान कृष्ण का ये लीला चर्चा होता है वो जहां पर भी रहेंगे संसार में वो भाग भाग कर वहां पर आ जाएंगे, ये वाला स्वभाव हमारे के पास भी पता चलता है, कभी कभी अगर कोई आपको प्रशंसा करते हैं आपका नींद नहीं आएगा, क्योंकि अपना प्रशंसा सुनने के लिए सबको अच्छा लगता है, और भगवान भी जब अपना प्रशंसा सुनते हैं अपना गुणगान सुनते हैं उनके साथ साथ भक्त का भी गुणगान वहां पर हो जाता है, तो उनका लालच रहता है, लालायित हो जाता है, मेरा भक्त कितना श्रेष्ठ है और कितना अनन्य भाव में कितना दुख कष्ट होने के बाद भी मेरा भक्ति छोड़कर संसार का परवाह नहीं कर मुझे भक्ति कर रहे हैं, इसको सुनने के लिए भगवान बहुत तत्पर हो जाते हैं। अभी रोहिणी माँ जब ब्रज का स्मरण करते हैं और बचपन का लीला स्मरण करते हैं, तुरंत उनका आंखों में आंसू आ जाता है और बोल नहीं पाते हैं, फिर भी वो अपने आप को संभाल कर वो बोलने के लिए प्रयत्न करते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण 6 महीना का थे और पुतना एक दिव्य स्त्री का रूप धारण कर वो गोकुल में आए हैं, और उनका रूप ऐसे थे कि हम जितना मातृवृंद गोपी थे हमको ऐसा लगा कि वो साक्षात लक्ष्मी है, और भगवान कृष्ण को वो अगर स्तनपान करेंगे तो उनका आयु बढ़ेगा और हृष्ट पुष्ट होंगे, इसलिए मदर माँ यशोदा उनका हाथ को कन्हैया और कृष्णा को दे दिए थे, वो जब स्तनपान करा रहे थे तो भगवान कृष्ण इतना जोर से उनका स्तन को पकड़े थे वो चित्कार करने के लगे, और वो तुरंत अपना मूल रूप को आकर, क्योंकि उतना जो है वो खेचरी है, खा मतलब आकाश जो उसमें विचरण करते हैं उड़ सकते हैं उस खेचरी बोलते हैं, तो पुतना जब उड़कर जा रहे थे तो वहां पर एक बाटिका था जो कंस का था और वो गोकुल में भी था, क्योंकि कंस जो है मथुरा का राजा होने के कारण वृंदावन गोकुल धाम भी जो है वो उनका जुरिडिक्शन में आता है, तो भगवान कृष्ण दूध लेते लेते उनका प्राण को भी हरण किए और ये जो पुतना जो सुंदर रूप उनका था वो अपना पूर्व रूप में आकर 12 योजन उनका जो लंबाई था वहां पर गिर पड़े, और जहां पर गिरे वो जितना भी सुंदर वाटिका था
कंस का वो विनाश हो गया। और जब ये चीज देखे रोहिणी और यशोदा जितना भी गोपी भगवान कृष्ण को ये राक्षसी उड़ा कर ले रहे हैं, वो देखते ही अचेत होकर वहां पर पड़ गए हैं। तो इसमें प्रकट होता है कि वो कितना भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनका विरह भी सहन नहीं होता है। उसके बाद जब तक भगवान कृष्ण को उद्धार कर कर गोपी लोग लाकर उनका हस्त स्पर्श नहीं किए हैं रोहिणी तक, तब तक नहीं उठे थे। जब भगवान कृष्ण को उद्धार किए और पुत्रा के शरीर को जलाए, उसके बाद जब लाकर रोहिणी माता को भगवान कृष्ण का स्पर्श हुआ, तब अपना चेतना वापस पाए। तो इतना प्रेम रोहिणी और जितना भी मातृवृंद गोपी थे भगवान कृष्ण के प्रति थे। उसके बाद जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े होके वो अपना अभी वो जो पद्मावती थे ना, वो बोल रहे थे वो इतना खाना नहीं दे रहा था हमारा लाला को, हमारा लाला जाकर अलग अलग माखन घर में माखन जो होता था उसको चोरी करके खाता था, उनको अच्छा भी परवरिश करना नहीं आता है। तो जितना भी पद्मावती जो कंस का माँ अलग अलग एलिगेशन लगाए है, रोहिणी एक एक पर गलत साबित कर रहे है। वो बोल रहे है कि जितना भी गोपी बन थे भगवान कृष्ण को, अलग अलग गोपी अपना पुत्र को जितना स्नेह नहीं कर रहे थे भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए, उनको माखन खिलाने के लिए, वो इतना आतुरता के साथ माखन निकल कर और मटका में रखकर वो प्रतीक्षा करते थे कब वो भगवान कृष्ण आएंगे और अपना ग्वाल बाल के साथ आएंगे और माखन चोरी करेंगे, और उसको देखने के लिए वो आते थे। और जब वो चोरी कर खाएंगे, वो हम पकड़ लेंगे, उनको बांधेंगे और वो रोएंगे, और जब हम उनके बारे में शिकायत करने के लिए माँ यशोदा के पास जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं मत शिकायत करो, मैं और चोरी नहीं करूंगा। ये वाला सुनने के लिए और उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ स्नेह करने के लिए गोपी लोग जान बूझ कर अपना जो माखन निकल कर रखते थे। और भगवान माखन चोरी करने के बाद कभी कभी चोरी करते थे और वो बोलते थे अरे इतना ये गोपी को पता नहीं कैसे माखन चोरी करते थे, इतना खट्टा है ये तो बंदर भी नहीं खाते है, भगवान खुद खाते थे और जितना भी उनका सखा बालक है उनको खिलाते है और जितना भी बंदर लोग थे उनको भी खिलाते हैं, और ज्यादा माखन पेट फूल होने के बाद वो सब घर में इधर उधर बिखरते थे। और कभी कभी बोलते हैं इसको इतना भी नहीं आता है माखन बनाना, वो बहुत खटाक बनाते हैं, और उसको फेंक देते थे और मटका भी तोड़ देते थे। ये वाला लीला जो है यशोदा माता कभी भी देखे नहीं है। तो इसीलिए हमेशा माता यशोदा जो है माता यशोदा को ये सुख देने के लिए सब गोपी लोग जाकर ये वाला भगवान कृष्ण का नटखट लीला को सब बताते हैं। माता यशोदा बताते हैं अरे वो कितना छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा कितना खाएगा, आप तो अगर मक्खन खत्म हो जाते तो मैं भी मक्खन दे देता हूँ, मेरे पास तो 9 लाख गाय है, और आप उसको कुछ मत बताओ, वो खाएगा अगर वो करता है तो अच्छा है। और बोलते हैं आप उसको ऊपर बांधना चाहिए, आप नीचे रख रहे हैं इसलिए तो मक्खन खा रहे हैं। तो बोले अरे हम ऊपर बांधते हैं और भगवान आपका लाला इतना सयाना हो गया है, बुद्धिमान है, वो क्या अपना अपना सब सखा लोग को लाकर एक पिरामिड जैसा बनाकर ऊपर चढ़ता है और उसको खा लेता है। वो बोलता है तुम खुलम अब ऊपर जो रखते हैं एक अंधेरा घर में रखो। वो बोलते हैं अंधेरा घर में हम रखने से कुछ नहीं है, आपका बेटा का जितना भी हीरे जवाहरात का जो आभूषण पहने है ना, उसका इतना ज्योति निकलता है कि अंधेरा में पता चल जाता है कहाँ पर माखन है। वो बोलते ठीक से मैं कल से उनका हीरा जवाहरात जितना आभूषण है अलंकार है मैं नहीं पहनाऊंगा। वो बोले आप नहीं पहनाएंगे तो क्या हुआ, उसका जो चिकना शरीर है ना उसमें भी ज्योति निकलता है, वो रात अंधेरे में जहां पर माखन रखता है उसको लाकर खा लेता है। तो ये जो भगवान कृष्ण का माखन चोरी का लीला कभी देखे नहीं, लेकिन सुनने के बाद भी माँ यशोदा को बहुत आनंद होता है। उसके बाद और क्या किए कि माता यशोदा को ये आनंद देने के लिए यहाँ पर पद्मावती वो जो कंस का माँ बताए, अभी देखो वो कहाँ पर माखन करने के लिए बाहर का लोग गए और अपना घर में जो माखन चोरी किए, यशोदा को इतना भाव हो गया कि उसको बांध भी दिया, उसको पता नहीं क्या ये मथुरा का राजा है। तो वही चीज बता रहे हैं भगवान कृष्ण को जब अपना घर में माखन चोरी किए तो भगवान उनको माता यशोदा के लगा रहे अभी तो माखन चोरी कर लिया कर रहा है, कभी बड़े होने के बाद कोई डाकू हो जाएगा, सरदार हो जाएगा, और राजा का बेटा होने के कारण उसका जब विवाह होगा कोई तो लड़की भी नहीं देगा, तो इतना परेशान कर रहा है, इसलिए उनको ठीक करने के लिए वो उखल में उनको बांध दिए थे वो लीला में। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि बचपन में ऐसे बहुत तो उनका लीला किए थे। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि माँ को देखो हम तो गोप बालक है, हम अगर गाय नहीं चराएंगे तो कैसे हम सीखेंगे, और हमारा जो पिताजी है नंद महाराज तो वो तो ग्वाला का सरदार है, तो मुझे तो गाय चराना जाना चाहिए, मैं तो अभी सयाना हो गया हूँ। तो माँ बोले कि अरे
आप गाय चराने के लिए जाएंगे तो ठीक है, मैं आपके लिए सोने का क्या पादुका बना दूंगा, सैंडल बना दूंगा और अच्छा छतरी छतरी दूंगा, तो उसमें इसको लेकर आप गाय चराने के लिए जाएंगे। आप गाय चराने के मत जाइए, आपको बछड़ चराने के लिए चाहिए और पास में ही चराएंगे वृंदावन में और आ जाएंगे। वो बोल रहे कि मैया मैं अगर चाहूंगा ये वाला चराने के लिए, मैं अगर छतरी लूंगा तो हमारा तो 9 लाख गाय है, तो आपको 9 लाख छतरी देना पड़ेगा, और मैं अगर 2 पादुका मेरे लिए बनाएंगे तो हमारा तो 9 लाख गाय है, हर गाय के लिए 4 चार चाहिए, तो सबके लिए अगर आपको पादुका बनाएंगे तो हम जाएंगे। तो माँ ये वाला जब गाय लोग सुने, भगवान कृष्ण हमारे लिए इतना मतलब चिंतित है हम वो क्या कि आप देखेंगे वृंदावन में 4 पर्वत 3 पर्वत है और गोवर्धन हो गए, वो तो पहाड़ी इलाका है ना, बहुत पत्थर वगैरह रहेंगे, कंकड़ रहेंगे, भगवान का पैर में बहुत यंत्रणा होगा। गाय लोग जो सुने भगवान कृष्ण हमारे लिए नंगे पैर आकर हमको घास चराने के लिए जाएंगे तो बहुत प्रसन्न हो गए। वो क्या कि जितना भी गाय थे रात को जाकर जितना भी पत्थर था उसको अपना पैर में इतना पाउडर बना दिए, इतना मुलायम बना दिए, वो जॉनसन बेबी पाउडर पाउडर से भी बहुत मुलायम है। कभी भी आप गोवर्धन का प्रदक्षिणा करेंगे, उनका बालों को स्पर्श करेंगे, बहुत कोमल होता है। तो भगवान जैसे गाय को चिंता कर कर उनको आप पादुका नहीं देंगे तो मैं भी बिना पैर ही जाऊंगा, ये चिंता कर कर गाय लोग भी उनका सेवा करने के लिए जितना भी वो मार्ग था उसमें जाकर हर कंकड़ को पत्थर को चुना कर कर पाउडर जैसा बना दिए हैं। जैसे भगवान भक्त का सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं तो भक्त भी भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं तो बहुत सयाना हो गया हूँ, जब गोधूल समय हो जाएगा, शाम का समय हो जाएगा, जितना भी गाय है मैं मेरा मुरली जब और वेणु जब नादन करूंगा सब गाय लोग आ जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे, किसी चीज उनको बोल रहे थे। उसके बाद और एक बोल रहे कि भगवान का जितना भी उनका समवयस्क गोप थे उनके साथ तो लीला किए दिन में जाकर वृंदावन का अलग अलग वन में और यमुना में क्रीड़ा कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, उनका समवयस्क जितना गोपी लोग थे उनके साथ भी वो लीला विलास किए हैं, जैसे रास लीला वगैरह उनके साथ नृत्य गीत रात शरद ऋतु का चांदनी का समय में वो वाला कर रहे थे, जिसको हम भौतिक दिमाग में समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी भी प्रेम का शब्द आते हैं तो सबसे श्रेष्ठ प्रेमिका प्रेमिका जो है राधा कृष्ण का बारे में बताते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो शाश्वत है, ये भौतिक जगत का लष्ट जैसा उनका प्रेम नहीं है, तो इसीलिए उनका प्रेम का निदर्शन सब जगह में दिया जाता है। और एक बार क्या हुआ है, राधा और कृष्ण एक कुंज में थे, उस समय उनका जितना भी सखा थे सखी थे वहां पर सब उनका गुणगान कर रहे थे, और जो राधा रानी थे भगवान कृष्ण के पास थे, उस समय मधुमंगल बोले वहां पर एक भंवरा आकर ऐसे राधा रानी का पैर के पास गुनगुना रहा था, कि उनका उनका पैर पूरा एक कोमल का जैसा दिख रहा था, उसी प्रकार वो वहां पर उनका जो सखा थे भगवान कृष्ण का मधुमंगल वो जो भंवरा को वो उधर से निकाल दिए, और मधुमंगल आकर बोल रहे कि मैं मधुसूदन को भगा दिया। ये वाला जब राधा रानी सुनते हैं उनको लग रहा है कि मधुसूदन भगवान कृष्ण उनसे अभी चले गए, हालांकि वो भगवान कृष्ण के साथ बैठे हैं लेकिन उनका ऐसे भाव हो रहा है कि भगवान कृष्ण चले गए, मधुसूदन चले गए, भंवरा का एक नाम है मधुसूदन। तो राधा रानी के जो भाव है भगवान कृष्ण का उपस्थिति में जब वो सुनते हैं मधुसूदन चले गए उनका विरह हो जाता है, उनका सेपरेशन लव इन सेपरेशन जैसा हो जाता है, तो इसलिए भगवान कृष्ण वो अचेत होकर पड़ जाते हैं राधा रानी, और उनका अचेत देखकर कृष्ण भी अचेत हो जाते हैं, उनको कृष्ण राधा रानी दोनों को अचेत देखकर जितना भी सखा सखी थे सभी अचेत हो जाते हैं। उसके बाद उनको चेतना में कौन लाएंगे, राधा रानी के एक सुख पक्की थे, एक पैरट थे, वो कृष्ण का कान में जाकर बोल रहे हैं राधे राधा 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 राधा, और राधा रानी के कान में जाकर कन्हैया 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 बोलते हैं, और दोनों अपना एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस को आते हैं, बाहरी चेतना को आते हैं, और जब बाहर चेतना का आने के बाद वो सब गोप गोपी जितना थे सखा और सखी सबको लाते हैं। तो ये वाला जब उनको वर्णना किए हैं उस समय भगवान कृष्ण जस्ट 5 मिनट और एक्स्ट्रा है, भगवान कृष्ण और बलराम क्योंकि वो तो राजा है, वो सुधर्म सभा में वो सब राज कार्य देख रहे थे,
ये वाला जब ब्रज का लीला रोहिणी माता जी वर्णन कर रहे थे, भगवान कृष्ण और बलराम वहां पर रह नहीं पाए। जैसे कहां पर घर में एक कमरा में आपका कोई गुणगान कर रहे हैं, अरे ये तो इतना पढ़ाई कर रहा है, माला भी जप कर रहा है और ये सब गलत चीज छोड़ दिया है, नंबर भी अच्छा ला रहा है, अरे इसका वाला अच्छा है, कितना बुरा था इतना अच्छा हो गया बेटा, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा लगता है। हम शिक्षा के साथ कुछ अच्छा चीज भी परिचित से सुनते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज हम शिक्षा होता है। जैसे कोई किसी का गुणगान करने के समय भी हम तत्पर होकर सुनते हैं, जब भगवान का गुणगान होता है, भक्त का गुणगान होता है और ब्रजवासी व ब्रज लोक का जब गुणगान होता है, तो भगवान कृष्ण और बलराम सुधर्मा सभा को छोड़कर वो आगे जहाँ पर वो कक्षा में हो रहा था, और वहां पर देखे कि गेट में तो सुभद्रा महारानी खड़े हैं और सुभद्रा महारानी का रूप जो है वो पूरा अद्भुत हो गया है, उनका हाथ पूरा अंदर घुस गया है, आंख पूरा बड़े बड़े हो गया है, और कृष्ण बलराम आकर भी वो लीला सुन रहे हैं, और सुनने के समय वो इतना विभोर हो गए हैं और लीला में प्रवेश कर गए हैं, आश्चर्यचकित होकर वो बड़े बड़े आंख में और आश्चर्य होकर उनका हाथ पैर बहुत अंदर घुस गया है, हृदय बहुत द्रवीभूत हो गया है। और अभी हृदय द्रवीभूत जो होता है, मतलब माई हार्ट इज गेट मेल्टेड, उसका भाव कैसे होता है, कोई अगर आपकी प्रशंसा करते हैं, कोई अगर आपका गुणगान करते हैं तो आप बहुत नरम हो जाते हैं, मतलब हम्बल हो जाता है, कोई अगर आपको ताना मारता है आप भी सख्त हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का इतना गुणगान और उनका भक्त लोग का जब गुणगान होता है तो उनका जो हाथ पैर बहुत अंदर घुस जाता है, बड़े बड़े आंख हो जाता है, बड़े तत्परता के साथ वो द्वार का जो दरवाजा है वहां पर कान देखकर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुनते हैं अंदर का जो ये वाला चीज हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था। रोहिणी माता जब इस गोपी लोग का बारे में चर्चा किए हैं, वो भी अचेत होकर पड़ गए हैं, और जितना भी वहां पर रानी लोग थे वो भी क्रंदन कर वहां पर अचेत होकर पड़ते थे। वहां पर नारद मुनि उनको बता रहे थे सुनने के लिए ये वाला ना कौन श्रेष्ठ भक्त है, तो नारद मुनि कह रहे हर अचेत होकर सब पड़ गए हैं। तो उसके बाद जब भगवान कृष्ण ये वाला बातचीत बंद हो गया है, वो अपना बाहरी रूप आकर अंदर जब जाकर देखते हैं सब अचेत होकर पड़े हैं, नारद मुनि को देखते हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं हे भगवान कृष्ण मुझे माफ करिए, मैं आपका दिव्य भक्त लोक का कथा सुनने के लिए ऐसा दिखा था, और आप अभी भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न है क्योंकि नारद मुनि का इसके कारण हर जो रानी थे और भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा को भी ऐसे ब्रज का कथा और गोकुल का कथा सुनने के लिए सौभाग्य मिला, और वो बोल रहे हैं कि हे नारद मुनि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप एक वर याचना कीजिए। और नारद मुनि बोल रहे हे नारद हे भगवान, आप जब भगवान का ये ब्रज का लीला सुन रहे थे और आपका जो दिव्य ये रूप हुआ था, बड़े बड़े आंख वाले और हाथ आपका आधा हो गया था और सुभद्रा मैया का बलराम का ये वाला रूप जैसे जगत देख सके, और आप ये वाला मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान वहां पर प्रसन्न होकर उनको बोले हैं मैं नीलाचल धाम में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन रूप में ये वाला कलिजुग में सबको दर्शन दूंगा, ये वाला रूप जो भी दर्शन करेगा उनको कभी भी पुनर्जन्म माँ का गर्भ में आना व पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होगा, और ये वाला उनको वरदान दिए हैं। तो इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कोई अगर विग्रह विग्रह जो है, कभी अगर किसी का जो विग्रह मूर्ति बना हुआ है, किसी का अगर हाथ टूट गया है, वो विग्रह को हम पूजा नहीं करते क्योंकि खंडित हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान का हाथ आधा है फिर भी उनका पूजा हो रहा है, क्योंकि ये भगवान का एक स्टैटिक फॉर्म मतलब सर्व आश्चर्य, जब अपने भक्त और अपना लीला सुनने के बाद वो जब आश्चर्य होती है, एक भाव विभोर ये वाला जो रूप है ये संपूर्ण रूप है, ये कभी भी उनका खंडित रूप नहीं है। तो इसलिए ये पौराणिक जो आख्यान चैतन्य महाप्रभु का पार्षद सनातन गोस्वामी बताए गए हैं, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया है, क्योंकि बहुत ऐसे जो लीला रहता है एक शुद्ध भक्त का हृदय में वो स्फुरित होता है, और वो अपना जो खुद का ग्रंथ में वो रचना करते हैं, और इसको सब सैद्धांतिक बा कंक्लूसिव ट्रुथ के रूप में जो भक्त लोग हैं उसको ग्रहण करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे, 3:05 हो गया, किसी का अगर कुछ प्रश्न तो नहीं हो सकता है, फिर भी अगर हम जगन्नाथ को अपना जीवन में लाना चाहते हैं तो हमारा, क्योंकि अलग अलग कक्षा में जो आएंगे प्रभु जी लोग वो भी बताएंगे जगन्नाथ कैसे इस्कन को आए, हम इस्कन वाले जगन्नाथ को हम बनाए नहीं है, जगन्नाथ खुद आकर अमेरिका को आए थे और इस्कन में अलग अलग मंदिर में स्थापन हुए हैं, उसका भी लीला
भविष्य में कोई अगर प्रभु जी लोग आएंगे वो भी बताएंगे। और सबसे कलयुग में श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण का, हम अनुभव कर सकते हैं भगवान का कि जो कलयुग में जो युग धर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर कर, कीर्तन कर कर, भगवत गीता भागवतम को पढ़कर, ये शिक्षा को हम भौतिक शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल वकीलात से पढ़ते हैं उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो भी हम फील्ड में रहेंगे उसमें हम साधु जीवन यापन कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, उसमें कैसे सेंटली कैरेक्टर ला सकते हैं उसका विज्ञान, साइंस और प्रैक्टिकल चीज इस्कॉन का, जो साधु लोग हो गए और जो शास्त्र है प्रभुपाद जी है वो सबको सिखाते हैं। और यहाँ पर एक बार हम पंचतत्व मंत्र मैं बोलूंगा, उसके पीछे आप बोलेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर एक कथा को विराम देंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है वो कहाँ पर देख पाएंगे, थोड़ा 1 सेकंड रुकिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, द क्वेश्चन इज हाँ प्रभु जी, व्हाई इज सैडनेस एंड पेन इन दिस वर्ल्ड? व्हाई कैंट एवरीवन बी हैप्पी पेनलेस और ए डिवोटी फॉर एवर? ओके ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आंसर करूंगा। फिर एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जितना भी यहाँ पर 127 और 150 स्टूडेंट लोग थे, आप सबका आंसर आपको मिलेगा। जितना भी आपका डाउट है, व्हाई, व्हेन, व्हेयर, हाउ, जितना भी WH क्वेश्चन है सबका आंसर है। कम समय में इतना आंसर हम देंगे भी आपको समझ नहीं पाएगा। सबसे प्रैक्टिकल चीज आप कर सकते हैं, आप एक माला हरे कृष्ण महामंत्र 10 मिनट आप जप करिए, इसके बाद और सब चीज आपको रिवील होता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जब अंधेरा हो जाता है, आप जो भी रूम में है, और रूम में टीवी रहेगा, बेड रहेगा, चेयर रहेगा, कुछ भी रहेगा, अंधेरा हो जाता है सब अंधेरा दिखता है। जब लाइट आ जाता है हर चीज को आप देख सकते हैं अपने स्वरूप में। इसको चेयर बोलते हैं, इसको टीवी बोलते हैं, इसको डेटी बोलते हैं, इसको कपड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार जब ज्ञान होता है अज्ञान दूर हो जाता है। और जो अज्ञान दूर होने के लिए भगवान का जो ज्ञान है, एक बार अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, मतलब 10 मिनट करते हैं, स्लोली स्लोली जितना भी हमारा मिसकंसेप्शन है, डाउट है, वो अंदर से वो रिविलेशन होता है, सही क्या है गलत चीज है, ये वाला चीज। हाँ वो वाला वो प्रश्न पूछिए, वो वाला जो था, सॉरी। तो इसीलिए हर जो यहाँ पर सुन रहे हैं, हर दिन एक माला करने के लिए आप संकल्प कीजिए। कंटिन्यूएशन अगर एक माला आप हर दिन करेंगे, आप देखेंगे अभी आपका जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, माइंड का जो स्तर है, वो नेगेटिविटी फोर्स से इंक्रीज होकर आपका एक पॉजिटिव चेतना आपका डेवलप हो जाता है। हाँ बताइए, तो प्रश्न पूछिए हरे कृष्णा, प्लीज रीड दैट वन। कहाँ पर आता क्वेश्चन जो है, व्हाई इज सैडनेस एंड पेन इन दिस वर्ल्ड? व्हाई कैंट एवरीवन बी हैप्पी पेनलेस एंड अ डिवोटी फॉरएवर? ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, जितना हम रूल रेगुलेशन से फॉलो नहीं करते उतना हमको पेन मिलेगा। सपोज आप सब कोई जेल में नहीं है, आई होप सो, क्योंकि आप गवर्नमेंट का रूल पालन करते हैं, इसीलिए आप खुलम खुला ट्यूशन जाते हैं, घर में रहते हैं, बाहर पार्क को जाता है, पार्क को जा सकते हैं, खुलम खुला घूमते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल तोड़ता है उसको तुरंत जेल में डालते हैं, परेशान में डालते हैं, जब तक वो सुधरेगा नहीं। उसी प्रकार जितना हम मिनिमम जो रूल रेगुलेशन है, माता पिता जो बोलते हैं उसको करना है, जो टीचर्स लोग है उसको जो बोलते हैं उसको करना है, उसको अगर करेंगे तो इतना हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना छुपम छुप जितना चोरी छुपी हम गलत चीज करते हैं उससे दुख आता है, समझ रहे हैं ना? दुख ऐसे नहीं कि मार्केट में कहां पर बेचते हैं दुख और आप जाकर 5 केजी ले आए, नो, आप जो करेंगे जो गलत चीज है उससे आपको दुख आएगा। छोटा एग्जाम्पल, अगर कोई सुबह जाकर दे गो फॉर दी क्लियरिंग देयर स्टोमक, ही डज नॉट फील बैड, ओ आई जस्ट लॉस्ट 2 केजी, नो,
if you will go for passing stools or urine, it does not feel bad. Because the impure things, it is going from your body and you will feel happy. आपका गंदा चीज शरीर से निकल जाता है, मल निकल जाता है, आपका शरीर शुद्ध हो गया, इसमें कोई परेशान नहीं है, अरे मेरे 2 kg लॉस हो गया सब. लेकिन शरीर में 7 type ऑफ धातु रहता है, जैसे ब्लड एक धातु है, बोन, बोन मैरो, ब्लड, ये वाला सब प्रेशियस थिंग्स है, 7 type ऑफ धातु बोलते हैं. कभी किसी का हाथ कट गया सब्जी काटने के समय में, तुरंत उसको मुंह में डाल देता है, क्योंकि ब्लड मेरा शरीर से अगर निकलेगा वो वाला लॉस हो जाता है, वो वाला चीज है. जितना भी हम प्रिंसिपल से इधर उधर करेंगे तो हमको पेन आता है, दुख आ जाता है. अगर प्रिंसिपल चीज में आप सब करेंगे तो इतना दुख नहीं आता है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. और एक क्वेश्चन है, बताइए. Is it true that even the most sinful one, just like the asuras who came to kill Lord Krishna, associates in some way with him? Lord liberates them. Do they get his abode? उनको एक चांस मिलता है. कभी कभी हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट आने के कारण उसमें ग्रेस मार्क मिलता है. कोई मतलब हमारा पास मार्क 30 है, ग्रेस मार्क मतलब 15 mark भी जो रखेगा वो पास हो जाएगा. तो उनको एक चांस मिलता है, वो भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं. नहीं तो कोई अगर भक्त का घर में जन्म ले सकते हैं, मंदिर के पास में जन्म ले सकते हैं, उसके बाद वो भक्ति करने के बाद फिर वो प्यूरिफाइड होंगे. उनको तुरंत उनका धाम नहीं जाने देंगे. उसको जाने से पहले उनका अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है. उनको भक्त का घर में जन्म देंगे, जैसे भक्त लोग सुबह उठते हैं, माला करते हैं, नहीं तो भगवान का भोग लगाते हैं, वो प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ वो फिर भगवान का धाम जा सकता है. और नेक्स्ट? नहीं प्रभु जी, इतना ही क्वेश्चन था. ठीक है, ठीक है. आप जो ये वाला जो इनिशिएटिव लिए हैं सबको जगन्नाथ जी का कथा सुनाने के लिए, और मैं योगेश प्रभु को भी ऐसे बोलूंगा, एटलीस्ट 1 round सब माला करने के लिए भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये वाला करने से ऑटोमेटिक 1 person गेट ऑल द टाइप ऑफ द रियलाइजेशंस एंड दे गेट अक्वेंटेड विद द स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स. थैंक यू वेरी मच. ठीक है प्रभु जी, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जैसे बोला वो सभी एक माला करें रोज, और आपके साथ जुड़ के आज बहुत अच्छा लगा हमें. मैं यही होप करता हूँ कि सारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे उन्हें अपना सब आंसर्स मिल गया होगा और वो सब खुश होंगे आज. तो अपना हैप्पीनेस को अगर वो दिखाना चाहते हैं तो प्रभु जी को अनम्यूट करके हरि बोल बोल सकते हैं आप. हरि बोल प्रभु जी. हरे कृष्णा. आप लोग सब माला करेंगे ना, ये आज का गुरु दक्षिणा है, क्योंकि वहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, आप दक्षिणा दे देते हैं सम अमाउंट ऑफ द मनी. वी जस्ट वांट दिस इज ये वाला पता है, बोले कर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन. ये वाला जो धन है ना, एक माला आप किए उसका जो धन है वो आपके पास रहेगा, जितना भी आप डिफिकल्ट समय में वो आपका काम में देगा. इसीलिए जितना भी हमारा डेड बॉडी जाता है, जो हिंदू और सनातन धर्म है वो बोलते हैं हरिनाम सत्य है, राम नाम सत्य है. आप अभी यंग है और उस समय आप जीवा में जितना नाम लेंगे, जितना भी डिफिकल्ट समय में वो आपका काम देगा और आपका हेल्प करेगा. ये वाला एक ही रिक्वेस्ट है जगन्नाथ रथात्रा में, आप थोड़ा संकल्प कीजिए और ऐसे एक भाव लीजिए कि एक माला खरीदन करेंगे, और ज्यादा समय मिले तो ज्यादा संग करिए. अच्छा है. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद.